हेलो दोस्तों, मैं विश्वनाथ आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन के लिए जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वहाँ पर डिमांड सप्लाई एंड कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए सेकेंड चैप्टर है, सीएस फाउंडेशन के बच्चों के लिए डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर और कंज्यूमर बिहेवियर वाला चैप्टर, इन दोनों चैप्टर्स के एमसीक्यू यहीं पर कवर होने वाले। तो सीधा चलते हैं एमसीक्यू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू। क्वेश्चन नंबर वन, डिमांड फॉर कमोडिटी रेफर्स टू। तो हमने देखा है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमको यहाँ पर। ये डिजायर बैक बाय एबिलिटी टू पे फॉर कमोडिटी, बी नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, सी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट अ सर्टन प्राइस, डी द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर एबिलिटी होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस, ये इंडिविजुअल दी है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आंसर होगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। तो हमने चार कंसेप्ट पढ़े हैं डिमांड से रिलेटेड और चार पढ़े हैं सप्लाई से रिलेटेड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, और तीसरा इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड जो होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस होता है, बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कम होना, बराबर। तो डिमांड कम कब होता है? जब प्राइस बढ़ता है, बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? बी ऑप्शन है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स, गुड कंसर्न, कंसर्न गुड्स का, जिस गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो उसका डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उसको डिक्रीज इन डिमांड मतलब जो डिमांड कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस उसको हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड, ऑल बट वन मतलब ऑड वन आउट हमको पहचानना है। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर टू रिमेन द सेम वाइल ड्राइंग एन इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी, विच वन इज इट? तो ऑप्शन, प्रिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, बी हिज मॉनिटरी इनकम, सी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाँ, यहाँ पे क्या बोला है हमको? ऑल बट वन, ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन द सेम व्हाइल ड्राइंग एन इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व फॉर कमोडिटी, विच वन इज इट? हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है? इंडिविजुअल का डिमांड कर्व के बारे में बात हो रही है, तो डिमांड कर्व क्या करता है? डिमांड के बारे में और प्राइस के बारे में बात करता है। मतलब प्राइस चेंज हो रहा है उसके लिए डिमांड चेंज हो रहा है, मतलब प्राइस कांस्टेंट नहीं है, रिमेन द सेम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हम अज्यूम करते हैं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। तो यहाँ पे आंसर होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट? तो ये सिंपल है, हमको पता है टी एंड कॉफी जो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिस, तो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है और दो एक्सेस जहां पर एक दूसरे को मिल रहे, इंटरसेक्ट कर रहे, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे क्या होता है? वन होता है। मिड पॉइंट पे क्या होता है? वन होता है, पता है आपको। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कॉन्स्टेंट इस्टेब्लिशेज द रिलेशनशिप बिटवीन। हाँ, तो हमको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अज्यूम कर रहा है बाकी सारी चीज़ें क्या है, कॉन्स्टेंट है, सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कॉन्स्टेंट है। तो बात किसके बारे में हो रही है लॉ ऑफ डिमांड में? एक तो डिमांड के बारे में और दूसरी प्राइस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो सीधा मैं ऑप्शन पे आता हूँ, बी ऑप्शन जो है प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो इस बारे में लॉ ऑफ डिमांड जो है बात कर रहा है। सेवन, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ए गुड लो। तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो ई का वैल्यू जो होता है, प्राइस इलास्टिसिटी जो होता है, कम रखता है, बराबर। तो ऑप्शन ये दिया, वराइटी ऑफ यूज फॉर दैट गुड,
मतलब मल्टीपर्पज वाला गुड्स होना, बी वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सी क्लोज सब्स्टिट्यूट होना, डी हाई प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट ऑन इट। हाई प्रोपोर्शन होगा तो इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगा, बराबर। लेकिन इसके उल्टा, जहाँ पे कंज्यूमर का जो टोटल इनकम है उसका बहुत थोड़ा सा इनकम कोई चीज़ के ऊपर कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है, बराबर, तो वहाँ पर ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती कंज्यूमर को। जैसे हमने माचिस का एग्जाम्पल लिया था, 1 रुपीज़ को एक माचिस मिल रही थी, बराबर, बाद में उसका प्राइस सीधा डबल हो गया, 1 रुपये से लेकर 2 रुपीज़ तक हो गया, मतलब 100% इंक्रीज है प्राइस, लेकिन कंज्यूमर उसको लेके सीरियस नहीं है, बराबर। तो आंसर क्या होगा, 7 का बी, वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है वो क्या करती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम रखती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन द प्राइस। सिंपल है, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ई का वैल्यू हमको पहचानना है, व्हेन, कब, द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर, इज स्मॉलर, मतलब चेंज इन क्यू जो है वो स्मॉलर होना चाहिए देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर। मतलब ज़्यादा प्राइस चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी कम चेंज हो रहा है, मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, ई का वैल्यू जो है, ई का वैल्यू जो है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, स्मॉलर देन 1 होगा, यहाँ पे ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इन्फेरियर गुड्स, इन्फेरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी वाले गुड्स, इस केस में क्या होता है, इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड कम होता है, बराबर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, मतलब इनकम इलास्टिसिटी क्या है, निगेटिव है। नेक्स्ट, इफ़ द डिमांड फॉर गुड इज इन इलास्टिक, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर ऑफ द गुड टू, क्या बोला है यहाँ पर, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक मतलब ई का है, ई का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, मतलब क्या है, ज़्यादा प्राइस चेंज होगा तो कंपेरेटिवली कम क्वांटिटी चेंज होगी, बराबर, एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज करेंगे तो कंपेरेटिवली कम क्वांटिटी डिक्रीज होगी, बराबर, प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी और इनका वैल्यू लेस देन 1 है, इन इलास्टिक है, बराबर, मतलब ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होगी तो उसके कंपेयर में कम क्वांटिटी डिक्रीज होगी, बराबर। तो आंसर क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कंज्यूमर का इंक्रीज होगा, बराबर। बी, नेक्स्ट, 11, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड रिमेन्स अनचेंज देन द डिमांड कर्व फॉर द गुड विल बी, हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है रिमेन क्या होनी चाहिए, अनचेंज होनी चाहिए, कब, जब प्राइस में चेंज हो रहा है फिर भी क्वांटिटी में चेंज होना ही नहीं, मतलब क्या है, परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी नहीं होती, मतलब क्या है, वर्टिकल होता है डिमांड का कर्व, क्या होता है, वर्टिकल होता है। नेक्स्ट, सपोज द प्राइस ऑफ अ पेप्सी इंक्रीजेस वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोका कोला। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे दो जो प्रोडक्ट है, एक पेप्सी दूसरा कोका कोला, वो कैसे एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, या तो पेप्सी पिएगा या तो कोका कोला पिएगा, एट अ टाइम एक ही पिएगा, बराबर। तो ये दोनों क्या है, सब्सटीट्यूट है। सपोज प्राइस ऑफ अ पेप्सी इंक्रीज, तो पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हुआ तो लोग क्या करेंगे, कोका कोला पे जाएंगे, तो कोका कोला का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, कोका कोला का डिमांड क्या है, बढ़ जाएगा, मतलब जो डिमांड का कर्व है वो राइट में जाएगा, शिफ्ट टूवर्ड्स राइट सिंस दीज आर सब्स्टिट्यूट। तो ऑप्शन बी। 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, ए टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमने देखा है डिटर्मिनेंट में, बी क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड नहीं होता है, सी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस, और डी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के जो पॉइंट्स पड़े वहाँ पे, टेस्ट प्रेफरेंस देखा है, इनकम देखा है कंज्यूमर का, और रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस भी देखा है हमने, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है डिमांड डिटर्मिनेंट नहीं करती है, बराबर। तो आंसर होगा बी, ऑड वन आउट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट ड्रिंक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, उसी डिमांड कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो मूव हो रहा है, बराबर। अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व फॉर सॉफ्ट
drink is best described as? A. Increase in demand, B. Decrease in demand. Increase in demand और decrease in demand के केस में demand curve shift होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं movement along the demand curve, तो demand curve change नहीं हो रहा है, बराबर। तो आगे वाला जो option है, change in quantity demanded, तो ये क्या है, answer है, answer C, change in quantity demanded. Next, 15, if the price of a Pepsi decreases relative to the price of a Coke, हाँ, तो यहाँ पे Pepsi, Coke and 7-Up, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, बराबर। तो इफ प्राइस ऑफ अ पेप्सी डिक्रीज, पेप्सी का प्राइस कम हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, कोका कोला एंड सेवन अप पियेंगे, लोग क्या करेंगे, कोका कोला एंड सेवन अप पियेंगे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, कोक विल डिक्रीज, नहीं, सेवन अप विल डिक्रीज, नहीं, कोक एंड सेवन अप विल इंक्रीज, प्राइस ऑफ अ पेप्सी डिक्रीज, पेप्सी का प्राइस कम हो रहा है, मतलब लोग ज़्यादा पेप्सी पियेंगे, मतलब कोक एंड सेवन अप वाले लोग कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कोक एंड सेवन अप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, आंसर डी। नेक्स्ट, इफ अ गुड इज लग्जरी, इट्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, अगर लग्जरी वाला गुड है तो जैसे जैसे बंदे का इनकम बढ़ता है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, वो क्या करता है, कंपेरेटिवली डिमांड इंक्रीज करता जाता है, मतलब ई का वैल्यू मोर देन वन होता है ऐसे केस में, तो पॉजिटिव होता है इलास्टिसिटी एंड वैल्यू मोर देन वन होता है, बराबर। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीज बाय 22%, मतलब प्राइस जो है 22% से चेंज हो रहा है, और क्वांटिटी जो है वो 25% से चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, मतलब ई का वैल्यू थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ तो उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा क्या हो रहा है, डिमांड क्वांटिटी चेंज हो रहा है, मतलब ई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मोर देन वन है, बराबर। ई का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, जब ई क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीजेस बाय 5%, यहाँ पे क्वांटिटी 5% से इंक्रीज हो रही है और प्राइस जो है 20% से, बराबर बराबर, तो चेंज 5% से है क्वांटिटी का और प्राइस 20% का है, 1/4 आएगा, बराबर, मतलब 1/4 मतलब 0.25, मतलब 0.25, ठीक है, मतलब 0.25, ठीक है, तो आंसर होगा बी, तो आंसर होगा 18 के लिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट, गिवन द फॉलोइंग फोर पॉसिबिलिटीज, विच वन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, हमें चार ऑप्शन दिए और कौन से सिचुएशन में कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा हमको बताना है। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स, अभी प्राइस फॉल होगा, बराबर, तो यूनिटरी इलास्टिक मतलब ई का वैल्यू वन है, जितने से प्राइस फॉल होगा उतना ही डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, तो यहाँ क्या है, टिट फॉर टैट है। नेक्स्ट, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, ई का वैल्यू ज़्यादा होता है इलास्टिक में, मतलब प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ तो डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा, अब प्राइस राइज हो रही है, मतलब थोड़ी प्राइस राइज की तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। सी, डिमांड इज इन इलास्टिक, डिमांड इज इन इलास्टिक मतलब ज़्यादा प्राइस चेंज करेंगे तो क्वांटिटी थोड़ा सा कंपेरेटिवली चेंज होगा, एंड प्राइस फॉल्स मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस कम करनी पड़ेगी तब जाके थोड़े क्वांटिटीज इंक्रीज होगे, बराबर, बहुत ज़्यादा प्राइस कम करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, बराबर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर के इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी है, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस, जब डिमांड इन इलास्टिक हो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं और उसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा ही डिमांड क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा, तो कंज्यूमर का टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, ऐसे केस में इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट वाला स्टेटमेंट पहचानना है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है तो वही रहेगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आपको पढ़ना है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, बुक में सारे ऑल ऑफ द अबव वाले आंसर हैं, गो थ्रू करना है, ईजी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमको यहाँ पे क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, बाकी सारे तो करेक्ट है। ए, व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, फॉल इन अ प्राइस ऑफ वन लीड्स टू फॉल इन अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, बराबर है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, एक का प्राइस फॉल हो रहा है तो उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड फॉल होता है, बराबर है। नेक्स्ट, व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स, अ फॉल इन अ प्राइस ऑफ अ वन विल कॉज द डिमांड ऑफ द अदर टू राइज, ऐसा होता है क्या, बराबर है, होता है, हमने पेन एंड रिफिल का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स करके एग्जाम्पल लिया था, बराबर है। सी, एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज एंड वाइस वर्सा, हाँ जब इनकम कंज्यूमर का इंक्रीज होता है तो नॉर्मली वो जो कमोडिटीज डिमांड करता है इंक्रीज होती है, बट ऑलवेज नहीं होता है, बराबर, मतलब इंफीरियर गुड्स के केस में नहीं होता, या नेसेसरी वाले प्रोडक्ट होते तो उस केस में नहीं होता, बराबर, तो ऑलवेज नहीं होता, तो आंसर होगा सी, 21 का आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट 22, सपोज द प्राइस ऑफ अ मूवी सीन एट द थिएटर राइजेस फ्रॉम 120 पर पर्सन टू 200, हाँ तो प्राइस राइज हुआ है, मतलब ये ओल्ड प्राइस और ये न्यू प्राइस, ये 120 क्या है, ओल्ड प्राइस है, ठीक है, और ये 200 क्या है, न्यू प्राइस है, ठीक है। आगे उन्होंने क्या बताया, 300 से फॉल होके 200% तक आया, बराबर, हाँ तो फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पर आर्क इलास्टिसिटी, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करना है, तो न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड डिवाइड बाय न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड, यहाँ ऑलरेडी टोटल या मल्टीपल बाय 100, ओल्ड डिवाइड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस इन 200 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 जो है वो मैंने किया नहीं है, शॉर्टकट किया है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करके आपको दिया है, तो आंसर 0.8 आता है, जो ऑप्शन है बी, ठीक है। आर्क इलास्टिसिटी का डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 नहीं लिया है मैंने, एक दो क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं हमारे यहाँ पे, तो आंसर होगा बी, तो आंसर सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 23, यहाँ पर क्या हुआ है, सिल्वरवेयर के प्लेट सेटिंग का एग्जांपल है, तो यहाँ पे प्राइस कम की जा रही है 300 से 200 तक, और जो डिमांड है क्वांटिटी वो 3000 प्लेट से इंक्रीज हो रहा है 5000 तक, तो सेम मैंने सॉल्व करके रखा है यहाँ पर, तो आप पॉज करके देख लो, आपको नोटबुक पे रफ नोटबुक में साइमल्टेनियसली वीडियो देखते वक्त ही सॉल्व करना है अपने मन से, बाद में आंसर देखना है, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है, 1.25, तो आंसर सी होगा हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट 24, क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज वेरी हाई इट मीन्स, बराबर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ई का वैल्यू, क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में जब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज वेरी हाई इट मीन्स, जब ई का वैल्यू क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में न्यूमेरिकल वैल्यू ई का वैल्यू जब बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, उसका मतलब क्या होता है, द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन टू गुड्स ज़्यादा होता है, अगर ई का वैल्यू कम है क्रॉस इलास्टिसिटी के केस में तो डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, अगर हाई होगा क्रॉस इलास्टिसिटी तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो आंसर है सी। नेक्स्ट, इफ द लोकल पिज़ारिया रेजेस, इफ द लोकल पिज़ारिया रेजेस द प्राइस ऑफ अ मीडियम पिज्जा फ्रॉम 60 to 100, बराबर, मतलब ओल्ड प्राइस 60 था, न्यू प्राइस 100 है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, मतलब ओरिजिनल डिमांड ओल्ड डिमांड 700 है, न्यू डिमांड 100 है, वो सब फॉर्मूला में लिखा है, फिर से 2 नहीं लिया मैंने, आपको आंसर निकालना है यहाँ पर, ऑप्शन डी वाला जो है आंसर है,
26, if electricity demand is inelastic and electricity charges increase, which of the following is likely to occur? If electricity demand is inelastic and electricity charges increasing, which of the following is likely to occur? Quantity demanded will fall by relatively large amount. Inelastic का मतलब E का value less than 1 है. ऐसे केस में क्या होता है? Price बहुत ज़्यादा change होता है, तो comparatively कम change होता है. Quantity demanded में, तो यहाँ पे electricity का demand inelastic है. E का value less than 1 है. And electricity charges increase होते हैं. Which of the following is likely to happen? Quantity अभी क्या होगा? चार्जेस इंक्रीज होंगे तो डिमांड कम तो होगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम होगा क्योंकि इनइलास्टिक है, ई का वैल्यू लेस देन 1 है. तो ऑप्शन बी जो है, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट. तो ये रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पर. नेक्स्ट 27, सपोज द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक. इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग रेजिंग प्राइसेस, इट कैन एक्सपेक्ट अ रिलेटिवली ऑप्शन अ लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड. क्वेश्चन क्या दिया है, हमको क्या करना है, प्राइस जो रेस्टोरेंट जो है वो इलास्टिक है, मतलब थोड़ा प्राइस चेंज करेंगे ज़्यादा डिमांड कम होगा, बराबर. तो मैनेजमेंट चाहती है कि प्राइस इंक्रीज करना, तो लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड एज कम्पेयर टू प्राइस. तो ऑप्शन होगा ये, आंसर क्या है, ऑप्शन ये. ठीक, 27 हो गया. 28, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. तो पॉइंट इलास्टिसिटी होता क्या है, तो मतलब कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है जिसका वैल्यू जो है, इकोनॉमिक वैल्यू जो है, कमर्शियल वैल्यू जो बहुत ज़्यादा है, और उसमें से बहुत ही स्मॉल अमाउंट का चेंज हो रहा है, बराबर, जो कि कंसिडर ना किया तो भी चल सकता है. नॉर्मली एक कंज्यूमर कंसिडर नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता उसके डिमांड को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी. तो बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ नोटबुक, तो 40 रुपये का नोटबुक 80 हो गया, तो कंसिडर होता है ना, जो नोटबुक परचेस कर रहा है स्टूडेंट वो कंसिडर करता है इस चीज़ को. बी, अ रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग लोअरिंग द प्राइस ऑफ इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव डिशेज बाय 50%. तो ज़्यादा कंज्यूमर आएंगे खाना खाने के लिए उसके रेस्टोरेंट पर, ये कंसिडर किया जाएगा. सी, एन ऑटो प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर टू द प्राइस ऑफ अ कार बीइंग लोअर्ड बाय 100. अभी कोई कार है, बराबर, सबसे कम वाली कार आती है 1.5 लाख में, बराबर, 1 लाख में नैनो, बराबर, तो उसमें 100 रुपये क्या हो गया, कम हो गया प्राइस, बराबर. तो ये कंसिडरेबल है क्या, नहीं, कार के केस में क्या है, तो ये क्या एग्जांपल है, पॉइंट इलास्टिसिटी का एग्जांपल है हमारे यहाँ पे. तो आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रिवेन्यू. इफ प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से टोटल रिवेन्यू इंक्रीज कब होगा, उसकी वजह से टोटल रिवेन्यू इंक्रीज कब होगा, तो कब होगा, प्राइस थोड़ा सा कम किया तो ज़्यादा, हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज इन प्राइस, थोड़ा सा प्राइस डिक्रीज किया तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कंपैरेटिवली इंक्रीज होनी चाहिए डिमांड में, मतलब इलास्टिक होना चाहिए, ई का वैल्यू मोर देन 1 होना चाहिए. ए, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, लेस देन नहीं चाहिए. द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन, ई का वैल्यू मोर देन 1 है, तो आंसर होगा बी फॉर 29. नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रिवेन्यू. एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रिवेन्यू, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं और उसकी वजह से टोटल रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कब होगा, तो ऑप्शन देखते हैं. द इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन, यहाँ पे क्या बोला है, लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब ई का वैल्यू लेस देन है. ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज करेंगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ही डिमांड क्या होगा, कम होगा, मतलब जो टोटल रिवेन्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो आंसर क्या होगा, ये. नेक्स्ट, 31, डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक इफ इट एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होने पर जो गुड का डिमांड है वो मोर इलास्टिक रहेगा, तो कौन से केस में रहेगा, तो हमने देखा है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी के केस में, एक एक पढ़ते हैं.
ये इट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर इनकम, कंसिडर नहीं होगा। बी द गुड हैज मेनी सब्सटीट्यूट अवेलेबल, जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट हो गए मतलब सब्सटीट्यूटेबिलिटी ज़्यादा होगा तो ई का वैल्यू ज़्यादा होगा, सब्सटीट्यूटेबिलिटी कम होगा तो ई का वैल्यू कम होगा, बराबर। और हमको पूछा है मोर इलास्टिक, मतलब ई का वैल्यू ज़्यादा कब होगा, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डिमांड फॉर गुड विल टेंड टू बी मोर इन इलास्टिक इफ इट एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम अभी जो ऊपर पढ़ा, द गुड इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, हमने वहाँ चीज़ का एग्जाम्पल लिया था, बराबर। डिमांड फॉर गुड विल टेंड टू बी मोर इन इलास्टिक, तो कंज्यूमर का जो टोटल इनकम है उसका बहुत स्मॉल पार्ट वो कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड कर रहा है, बराबर। ऐसे केस में क्या होगा, मोर इन इलास्टिक रहेगा, आंसर होगा सी 33। सपोज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 to 36, मतलब कितना चेंज हो रहा है, 6,000 रुपीज़ का। एज अ रिजल्ट द कंज्यूमर इंक्रीजेस हर परचेज ऑफ सीडी फ्रॉम 25 to 30, मतलब क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है, 5, बराबर। व्हाट इज द कंज्यूमर्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सीडी, आर की इलास्टिसिटी यूज करना है, हम इसको शॉर्टकट से करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, शॉर्टकट से करते हैं, बराबर। तो ओरिजिनल कमोडिटी जो थी, ओरिजिनल कमोडिटी जो थी 25, बराबर, 25 को हमने डिवाइड किया 5 से, आंसर आ रहा है 5, बराबर। प्राइस मतलब इनकम जो था, बराबर, वो ओरिजिनल था 30,000, बराबर, डिफरेंस बाद में 6,000 का है, 6,000 से डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 5, 5 कट होगा तो आंसर आएगा 1, तो 1 को ऑप्शन है हमको यहाँ पर आंसर बी, तो आंसर होगा बी। आप आर्क का जो फॉर्मूला है, मिड पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, वो सॉल्व करोगे तो भी आंसर 1 ही आएगा, ये शॉर्टकट वाला था। 34, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, कब, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, बराबर, हमको पता है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व के एनालिसिस के बेसिस पे कौन सा अजम्पशन नहीं है। तो गिवन स्केल ऑफ प्रिफरेंसेस एज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दिए होते हैं इनडिफरेंस कर्व के केस में। बी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश करता है, बराबर। अजूम नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो ये क्या है, नॉट एन अजम्पशन, आंसर सी। नेक्स्ट, द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर द बजट लाइन, कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर बजट लाइन इज क्या करती है, बजट लाइन क्या करती है, इनडिफरेंस कर्व को टच करके जाती है, तो तब क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट, एंड इनडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन टूवर्ड्स राइट सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट इन, तो इनडिफरेंस कर्व में क्या होता है, एक कर्व होता है जिसके ऊपर हर कोई पॉइंट क्या करता है, इक्वल लेवल का यूटिलिटी हमें शो करता है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, राइट जा रहे हैं राइट में, बराबर, तो कोई कमोडिटी का लेस पार्टिसिपेशन हो रहा है और किसी का इंक्रीज हो रहा है, बराबर। लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसा होता है इस केस में, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। तो इन शॉर्ट इतना ही पढ़ना है हमको, इनडिफरेंस कर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत वाला पहचानना है हमको, यहाँ पे क्या करना है, गलत वाला स्टेटमेंट पहचानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बराबर, एंड इनडिफरेंस कर मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, बराबर है, करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व इंप्लाइज दैट द स्लोप ऑफ अ कर्व डिमिनिशेस एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेकर राइट में जा रहा है इनडिफरेंस कर्व, तो उसका स्लोप जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व इंप्लाइज दैट द स्लोप ऑफ अ कर्व डिमिनिशेस, तो कर्व का जो स्लोप है वो डिमिनिश कर रहा है, जैसे कि वो लेफ्ट से राइट में जा रहा है, वो करेक्ट है। सी द इनकम इलास्टिसिटी फॉर इन्फेरियर गुड्स टू कंज्यूमर इज पॉजिटिव, नहीं, क्या होती है, इन्फेरियर गुड्स के केस में निगेटिव होती है इनकम इलास्टिसिटी, तो आंसर होगा सी 39। द सेकेंड ग्लास ऑफ लिमोनेड गिव्स लेजर सेटिस्फैक्शन टू थर्स्टी बॉय, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू,
diminishing marginal utility. Next, what will happen in the rice market if buyers are expecting higher? अभी buyers क्या कर रहे हैं, expect कर रहे हैं कि higher rice prices in the near future. तो अभी क्या करेंगे, ज़्यादा purchase करके रखेंगे, बराबर. तो demand for rice will increase in current situation, current time. In case of a given goods, the demand curve will be, हाँ, क्या होता है, given goods के case में क्या होता है, price increase हो रहे हैं, तो demand भी increase हो रहा है. मतलब, supply curve जो होता है, वैसा होता है given curve, बराबर. Price भी increase हो रहा है, तो demand भी increase हो रहा है, बराबर. तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, अपवर्ड स्लोप कर रहा है, राइट में जा रहा है, तो अपवर्ड स्लोप कर रहा है. तो आंसर आंसर क्या होगा, 41 का डी. 42, कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मीन. इकोनॉमिस्ट का मीनिंग क्या है, कंज्यूमर सरप्लस का, ठीक है. तो पढ़ते हैं, एरिया इनसाइड द बजट लाइन, द एरिया बिटवीन द एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू का, सी द इनडिफरेंस बिट, हाँ सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड एंड इट्स मार्केट प्राइस. कितना पे करने के लिए कंज्यूमर रेडी है और मार्केट प्राइस क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है. तो आंसर होगा सी. नेक्स्ट 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व. तो हमने पांच प्रॉपर्टीज देखी है इंडिफरेंस कर्व के, उसमें क्या है, इट इज एन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, हमने देखा है ऐसा इंडिफरेंस कर्व निकाला है, तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है प्रॉपर्टी. नेक्स्ट विच, सॉरी, व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ द यूटिलिटी ऑफ अ सर्टन गुड, दे आर रेफरिंग टू डिमांड ऑफ द गुड, यूजफुलनेस ऑफ अ गुड, द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑफ द गुड्स, बराबर. तो हमने देखा है यूटिलिटी मतलब क्या है, डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन, बराबर. मतलब उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे तो कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है. आंसर होगा सी. नेक्स्ट, अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज क्या है, जीरो है. जो वाई एक्सिस को पैरेलल होता है डिमांड कर्व सप्लाई कर्व, उस केस में क्या होता है, E का वैल्यू, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो होता है, ठीक है. नेक्स्ट, द सप्लाई ऑफ गुड रेफर्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन, टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक वैल्यू, अमाउंट ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम. मतलब जितने भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें से जितना पर्टिकुलर पीरियड पर पर्टिकुलर प्राइस पर सप्लाई रेडी टू सप्लाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं. मतलब पर्टिकुलर प्राइस पे जो सेल करने के लिए रेडी है सप्लायर, वो क्या होता है, सप्लाई होता है, ठीक है. नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट कम हो गया प्रोडक्शन का, ऑल ऑफ द अबव, ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, आंसर डी. नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ गुड चेंजेस इन इट्स प्राइस. क्योंकि क्या है, सप्लाई क्या करता है, सप्लाई और प्राइस के बारे में बात करता है. तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, बी, ठीक है. नेक्स्ट, अ हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज. तो हमने देखा है क्या, जब ऐसा होता है सप्लाई कर्व, तो वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है. आंसर क्या होगा, बी होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इन द रिजल्ट ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स कंसर्न. सप्लाई क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, प्राइस कम हो रही है सप्लाई भी कम होगा. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई कम हो रहा है, कब होगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, और प्राइस कम हो रहा है उसकी वजह से सप्लाई कम हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट 51, कॉन्स्पिशियस गुड्स आर आल्सो नोन एज, हमने देखा है बुक में, प्रेस्टिजियस गुड्स, स्नॉब गुड्स, वेबलन गुड्स, ये तीनों नाम क्या है, कॉन्स्पिशियस गुड्स के, कन्फ्यूज नहीं होना है. ऑप्शन क्या है, आंसर 51 का डी, ऑल द अबव. नेक्स्ट, द क्वांटिटी परचेस रिमेन कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन इनकम, दिस इज नोन एज, इनकम चेंज हो रहा है लेकिन स्टिल क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, सेम है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, सेम है, बराबर. मतलब इलास्टिसिटी क्या है,
जीरो है, इनकम बढ़ रहा है फिर भी चेंज नहीं हो रहा है डिमांड में, तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट 53, एंड इनकम इंक्रीजेस द कंज्यूमर विल गो इन फॉर सुपेरियर गुड्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इन्फेरियर गुड्स विल फॉल. दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो जाहिर है इनकम बढ़ रहा है, इन्फेरियर गुड्स का डिमांड कम हो रहा है, मतलब इलास्टिसिटी क्या है? निगेटिव है. इनकम इलास्टिसिटी क्या है? निगेटिव है इन केस ऑफ इन्फेरियर गुड्स, इन केस ऑफ इन्फेरियर गुड्स. नेक्स्ट, व्हेन इनकम इंक्रीजेज द मनी स्पेंट ऑन नेसेसरीज ऑफ लाइफ मे नॉट इंक्रीज द सेम प्रोपोर्शन. इनकम बराबर, तो क्या होता है, इनकम बढ़ गया तो नेसेसरी के ऊपर जो स्पेंडिंग करता है कंज्यूमर, वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा क्या? नहीं होता है, लेस देन वन वाले प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है. मतलब किसी का 10,000 का सैलरी है तो क्या करता था बंदा, खाने के ऊपर हर महीने 4,000 स्पेंड करता था नाश्ता और दो टाइम खाने के लिए, बराबर. अब उसका 1,00,000 का सैलरी हो गया तो अब वो क्या करेगा, 40,000 का खाएगा? नहीं, उतना ही खाएगा, 4 से लेकर थोड़ा ज़्यादा खाएगा, 5-6,000 का खाएगा. नेक्स्ट, द लग्जरी गुड्स लाइक ज्वेलरी एंड फैंसी आर्टिकल विल हैव लो इनकम इलास्टिसिटी, हाई इनकम इलास्टिसिटी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, नन ऑफ द अबव. तो हमको पता है ऐसा क्या होता है, जब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आते हैं तो ज्वेलरी और फैंसी आर्टिकल ज़्यादा परचेस करते हैं, मतलब इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव भी है और हाई भी है. नेक्स्ट, अ गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस इज क्या, उसको क्या बोलेंगे, नॉन ड्यूरेबल. जिसको कंज्यूम कर सकते हैं एक से ज़्यादा बार उसको क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल बोलेंगे. नेक्स्ट 57, रिलेटिव प्राइस इज रिप्रेजेंटेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट द फुल कंज्यूमर्स इनकम, रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस दैन द कंज्यूमर्स इनकम, रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच इज अनअटेनेबल टू कंज्यूमर गिवन हिज मनी इनकम, अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन ऑफ अ कंज्यूमर. तो डी ऑप्शन, रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट मोर देन द कंज्यूमर्स इनकम. सिंपल है, फिर से एक बार पढ़ता हूँ, अ पॉइंट बिलो द बजट लाइन, बजट लाइन के नीचे का पॉइंट, मतलब बजट लाइन मतलब औकात लाइन, और नीचे वाला पॉइंट मतलब विद इन औकात, बराबर. तो बी ऑप्शन क्या दिया, रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर्स इनकम, बराबर, विद इन बजट लाइन, बराबर, बिलो बजट लाइन मतलब लेस देन कंज्यूमर्स इनकम, तो आंसर होगा बी. नेक्स्ट, डिमांड इज द डिजायर, ये ऑप्शन, द डिजायर फॉर कमोडिटी गिवन इट्स प्राइस एंड दोज ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, ओके. बी, द इंटायर रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ गुड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बराबर है. यहाँ पे क्या, इंटायर रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की, जब अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम है, ठीक है. 60, इफ एज पीपल्स इनकम इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डिक्रीजेस, इफ एज अ पीपल्स इनकम इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स डिक्रीजेस, तो कौन से गुड्स डिक्रीज होते हैं, इन्फेरियर गुड्स का डिमांड कम होता है जब पैसे इनकम ज़्यादा होता है, तो आंसर होगा सी. नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ टोमेटो इंक्रीज एंड पीपल बाय टोमेटो पूरी, मतलब ये दोनों क्या है, एक का प्राइस बढ़ रहा तो जब कंज्यूमर दूसरा ले रहा है तो वो दोनों गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट, मतलब टोमेटो में कुछ लेवल तक क्षमता है तो टोमेटो पूरी क्या कर सकती है, टोमेटो को रिप्लेस कर सकती है, टोमेटो पूरी में वो क्षमता है. 62, चिकन एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट, इफ द प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीज, तो चिकन का डिमांड कम होगा और फिश का डिमांड बढ़ेगा, तो इंक्रीज और डिक्रीज बट डिमांड कर, नहीं बी, चिकन एंड फिश सब्स्टिट्यूट है, चिकन का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो चिकन का डिमांड कम होगा, बराबर, और फिश का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है. बी ऑप्शन क्या दिया, इंक्रीज एंड द डिमांड कर फॉर फिश विल शिफ्ट राइट वर्ड, फिश का डिमांड इंक्रीज होगा और जो डिमांड कर्व है वो राइट में जाएगा, तो ये बराबर राइट आंसर है बी 62 के लिए, ठीक है. 63, पोटैटो चिप्स एंड पॉपकॉर्न आर सब्स्टिट्यूट, राइज इन द प्राइस ऑफ पोटैटो, डिमांड कम होगा पोटैटो का और पॉपकॉर्न का डिमांड बढ़ेगा, इंक्रीज द डिमांड फॉर पॉपकॉर्न एंड क्वांटिटी ऑफ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न का डिमांड बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो इंक्रीज एंड इंक्रीज वाला ऑप्शन होगा आंसर 63 का. 64, इफ द प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस इंक्रीजेस द डिमांड फॉर एप्पल जूस विल, ऑरेंज जूस का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका डिमांड कम होगा, मतलब सब्स्टिट्यूट एप्पल जूस है उसका डिमांड इंक्रीज होगा, तो 64 है उस केस के आंसर होगा इंक्रीज. नेक्स्ट 65, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स
other things remaining same and increase in the demand for computers. Other things remaining same, increase in number of computer brought बराबर है, decrease in price but increase in number of computer नहीं, increase in demand है तो price नहीं decrease होगा. C, increase in price of a computer बराबर है, ये भी बराबर है. C भी. D, increase the price and number of computers brought. तो आंसर होगा D. 65 के लिए आंसर होगा D. Next, when total demand for commodity whose price has fallen increase. फिर से पढ़ रहा हूँ मैं. When total demand for commodity whose price has fallen increases. Total demand जो है increase हो रहा है because of fall in price. It is due to क्या है? Price effect. It is due to क्या है? Price effect. बराबर, price fall हो गई इसलिए demand increase हो रहा है, तो ये क्या price effect है. Next, with a fall in a price of a commodity, consumer's real income increases. तो हमने देखा है, जब price कम होती है तो real income increase होता है, जब goods और services के prices कम होते हैं तो real income increase होता है, और महंगाई बढ़ती है, prices बढ़ती है तो real income कम होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, price fall हो रही है तो consumer का real income increase होगा, consumer's real income increases. 68. With an increase in the price of a diamond, the quantity demanded also increases. Diamond का price increase हो रहा है तो उसका demand भी बढ़ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? तो conspicuous good है. Diamond क्या है? Conspicuous goods है. Next, an example of good that exhibit direct price demand relationship. Given goods के केस में क्या है? Price and जो डिमांड है उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि प्राइस भी बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है गिवन गुड्स के केस में. नेक्स्ट 70 एमसीक्यू, 70 नंबर. इन इकोनॉमिक्स व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस विद फॉल इन इट्स प्राइस इज नोन एज. इकोनॉमिक्स में व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस विद फॉल इन इट्स प्राइस, प्राइस कम हो रहा है उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? प्राइस कम हो रहा है और डिमांड है जो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन. प्राइस बढ़ रही है तो एक्सपांशन हो रहा है, और एक्सपांशन क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो रही है इसके लिए डिमांड बढ़ रहा है. बराबर, तो आंसर होगा 70 का बी, क्या है? एक्सपांशन. 71, तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड और सर्विसेज इज द अमाउंट दैट एक्चुअली ब्रॉट ड्यूरिंग टाइम पीरियड एट ए गिवन प्राइस. बी, प्रोड्यूसर विश दे कुड सेल एट अ हायर प्राइस. सी, प्रोड्यूसर्स प्लान टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एट ए गिवन प्राइस. तो पर्टिकुलर पीरियड में पर्टिकुलर प्राइस पे जो रेडी है सेल के लिए वो क्या होगा? क्वांटिटी सप्लाइड होगा. नेक्स्ट 72, सप्लाई इज द, सप्लाई क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद द सेलर. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड्स. सी, इंटायर रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ गुड्स. तो इंटायर रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे आ जाता है क्या? क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस ऑफ गुड्स मतलब सप्लाई. 73, इन द बुक मार्केट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बुक मार्केट में क्या हो रहा है? द सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज. अभी सप्लाई पढ़ रहे हैं, डिमांड नहीं पढ़ रहे. सप्लाई में क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई डिक्रीज होगा. बराबर, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? द सप्लाई बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्स. तो ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे क्या है, सप्लाई जो है बुक्स का डिक्रीज होता है. बराबर, ऑक्स एक्सेप्ट. तो ऑड वन आउट हमको पहचानना है, तीन केसेस में क्या होगा? सप्लाई डिक्रीज होगा, लेकिन एक एक्सेप्शनल होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो ये डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक पब्लिशर, बुक पब्लिशर कम होंगे तो सप्लाई कम होगा. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ बुक, बुक का प्राइस कम होगा, बुक का प्राइस कम होगा तो सप्लाई क्या होगा? कम होगा. इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट. डिक्रीज इन अ प्राइस ऑफ अ बुक, डिक्रीज इन अ प्राइस ऑफ अ बुक होगा, तो ये क्या है? ऑड वन आउट है. ठीक है, तो आंसर क्या होगा 73 के लिए? बी, इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स. डिक्रीज इन अ प्राइस ऑफ अ बुक, बुक का प्राइस कम होगा तो सप्लाई क्या करेगा? सप्लाई कम करेगा. एक सेकंड, इन द बुक मार्केट द सप्लाई ऑफ बुक्स विल डिक्रीज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स एक्सेप्ट.
सी डी आई एन इंक्रीज इन अ फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ बुक एन इंक्रीज इन अ प्राइस ऑफ अ पेपर यूज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक, बुक का प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई क्या होगा बढ़ेगा इस केस में, इसीलिए आंसर बी है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। 74, इफ प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इंक्रीज बाय 10% एंड सप्लाई इंक्रीज बाय 25%, बराबर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो 25 डिवाइड बाय 10 क्या होगा 2.5 आंसर है, आंसर ये 74 के लिए, 75 के लिए आंसर। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर ऑफ अ बाइक्स विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ बाइक्स, नंबर ऑफ सेलर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाइक का सप्लाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इफ सप्लाई ऑफ बॉटल वाटर डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इक्विलिब्रियम, हाँ तो मैं यहाँ पर डायग्राम निकालता हूँ, बराबर तो यहाँ पे क्या हो रहा है सप्लाई ऑफ बॉटल वाटर, सप्लाई कर्व है ये और ये है डिमांड कर्व, ठीक है ये सप्लाई कर्व है, एक मिनट ये है सप्लाई कर्व, बराबर तो यहाँ पे क्या हो रहा है सप्लाई ऑफ बॉटल वाटर डिक्रीज, मतलब जब डिक्रीज होगा सप्लाई तो सप्लाई कर्व नया बनेगा, बराबर तो प्राइस पहले जो था अब उससे कंपैरेटिवली प्राइस क्या हो गया बढ़ गया और क्वांटिटी क्या हो गई कम हो गई, बराबर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम द इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा इंक्रीज एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज, तो आंसर क्या होगा ए। 77, अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कैमरा अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम विल, ये 77 है अभी जो ऊपर पढ़ा था हमने एग्जांपल उसका ही एज इट इज वर्ड चेंज करके कैमरा आए हैं, बाकी सेम है डिक्रीज इन प्राइस एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ कैमरा ब्रॉट अगर होता है डिमांड डिक्रीज। 78, इफ गुड ग्रोइंग कंडीशन इंक्रीज द सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड हॉट वेदर इंक्रीज द डिमांड फॉर स्ट्रॉबेरी द क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी इज बॉट, गुड ग्रोइंग कंडीशन क्या कर रही इंक्रीज सप्लाई, मतलब सप्लाई को राइट में जा रहा है, ठीक है एंड हॉट वेदर इंक्रीज द डिमांड, बराबर तो डिमांड भी क्या कर रहा है राइट में जा रहा है, मतलब प्राइस जो है सेम रहेगी लेकिन क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ऐसा मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है 78 के लिए इंक्रीज एंड क्वांटिटी इंक्रीज, मतलब डिमांड क्या हो रहा है इंक्रीज, तो क्वांटिटी पहले ये थी अब ये हो गई तो क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है राइट में जा रही तो इंक्रीज एंड द प्राइस माइट राइज फॉल और चेंज, तो ऑप्शन होगा ए आंसर। नेक्स्ट, कंफर्ट लाइज बिटवीन नेसेसरीज एंड लग्जरीज, ये हमको पता है कंफर्ट लाइज बिटवीन नेसेसरीज एंड लग्जरीज, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई कैन नॉट बी चेंज, शॉर्ट पीरियड में हम सप्लाई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है शॉर्ट पीरियड में हम सप्लाई चेंज नहीं कर सकते, when supply curve moves to the left it means smaller supply at a given price, supply curve क्या हो रहा है left में जा रहा है inverse side में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है supply कम हो रहा है। next, when supply curve moves to the right it means supply क्या हो रहा है increase हो रहा है, supply क्या हो रहा है increase हो रहा है। next, the elasticity of supply is defined as the responsiveness of a quantity supplied of a good to change in its price, ठीक है तो यहीं पे आंसर है क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन प्राइस का जो रिस्पॉन्सिवनेस है इसको हम क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट 84, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 84 में प्राइस का ऑप्शन कहाँ पर दिया है इनकम फंड डिमांड प्राइस, आंसर होगा सी। नेक्स्ट 85, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो मीन्स ई का वैल्यू जीरो होता है, बराबर ई का वैल्यू जीरो होता है उसका मतलब क्या होता है तो हमको पता है क्या होता है इम्परफेक्टली इलास्टिक,
सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो, ई का वैल्यू जीरो होगा, मतलब इलास्टिसिटी नहीं है, मतलब इनइलास्टिक होगा, इलास्टिक नहीं होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो, ई का वैल्यू जीरो होगा मतलब इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, मतलब इनइलास्टिक होगा, और जीरो है मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन व्हेन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, प्राइस से ज़्यादा क्या होगा, क्वांटिटी चेंज का प्रोपोर्शन होगा, तो ई का वैल्यू मोर देन वन होगा, ठीक है। 87, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिलेटिव चेंज इन प्राइस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, यहाँ पे क्या बोला है, क्वांटिटी सप्लाइड इज एग्जैक्टली इक्वल, मतलब ई का वैल्यू क्या होगा, वन होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, वन होगा। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4, मतलब न्यू प्राइस 4 है, ओल्ड प्राइस 6 है, ठीक है, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 5 to 10, मतलब ओल्ड क्वांटिटी 10 है, न्यू क्वांटिटी 15 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको लिख के दिया है मैंने, देखना है आपको, पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करना है तो फॉर्मूला है चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी मल्टीपल बाय प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किए, आंसर आ रहा है -1.5, आंसर क्या है -1.5, 88 का, ठीक है। तो 89, तो 89 जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने नीचे लिख के दिया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, सप्लाई फंक्शन इज गिवन क्यू इज इक्वल टू -100/10 पे, फाइंड द इलास्टिसिटी यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज 15, तो हमको ये पी का वैल्यू 15 दिया है उन्होंने, बराबर, तो यहाँ पे आपको देखना है, ये पी वन जो है 15 वैल्यू वो हमको दिया है, गिवन है, और ये पी टू जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट पी टू इज इक्वल टू 20, कोई भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स, हम यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करके दिया आपको डिटेल में, तो आप देख लीजिए एक बार, और आंसर आता है 3 डिवाइड बाय 1 मतलब 1 ही होता है, तो 3 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर डी, आंसर क्या होगा 89 का डी। नेक्स्ट 90, द फिगर बिलो शोज द बजट कंस्ट्रेंट ऑफ अ कंज्यूमर विद इनकम ऑफ 900, टोटल बजट है 900 का, टू स्पेंड ऑन टू कमोडिटीज नेबली आइसक्रीम एंड चॉकलेट, तो आइसक्रीम का नाम आया है पहले, चॉकलेट का नाम आया है बाद में, और बजट है 900 रुपये का, बराबर, तो क्वांटिटी ऑफ कप ऑफ आइसक्रीम 45 है, तो 900 डिवाइड बाय 45 करेंगे हम, 900 डिवाइड बाय 45 तो कितना आएगा, 20 आएगा, बराबर। उसके बाद है चॉकलेट, चॉकलेट का प्राइस है 900, तो 900 यहाँ पे स्पेंड करेंगे तो कितने चॉकलेट्स आ सकते हैं, 90 चॉकलेट आने के लिए 10 रुपीज़ का चॉकलेट होगा, तो पहले आइसक्रीम है 20, बराबर, और फिर बाद में 10 पॉइंट चॉकलेट, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज करेक्ट, तो यहाँ पे ऑल द अबव वाला ऑप्शन है तो वही रहेगा आंसर, अब गो थ्रू करना इजी है। 92, द एम ऑफ कंज्यूमर इज अलोकेटिंग हिज इनकम इज टू मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी, कंज्यूमर क्या चाहता है, एक रैशनल कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी पाना चाहता है, ठीक है, तो आंसर होगा ए। 93, एट हाइयर प्राइसेस पीपल डिमांड मोर ऑफ अ सर्टन गुड्स नॉट फॉर देयर वर्थ बट फॉर देयर प्रेस्टीज वैल्यू, दिस इज कॉल्ड वेबलन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, हमने देखा है अभी, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 to 30,000 10 रुपीज, डिफरेंस क्या है 10 रुपीज का, तो हमने देखा है ऐसे केस में हम क्या आंसर होता है, ऐसे केस में इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए होता है पॉइंट इलास्टिसिटी का यूज, इसका यूज होता है
पॉइंट इलास्टिसिटी का। नेक्स्ट 95, इफ द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब ई का वैल्यू क्या है, लेस देन वन है, ई का वैल्यू क्या है, लेस देन वन है, मतलब इन इलास्टिक सप्लाई है, आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट बिकॉज ऑफ इंप्रूव टेक्नोलॉजी, तो हाँ तो आंसर क्या होगा ये, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया तो ज़्यादा सप्लाई होगा तो सप्लाई कर्व राइट में शिफ्ट होगा, आउटर साइड शिफ्ट होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट वाला स्टेटमेंट हमको यहाँ पर पहचानना है, ठीक है। When the price falls, quantity demanded falls, गलत, seasonal changes do not affect the supply of commodity, affect करते हैं। Next, taxes and subsidies do not influence, influence करती है supply को, taxes, subsidies, आखिरी वाला आंसर होगा। With lower cost, it is profitable to supply more of a commodity, ये क्या correct है, With lower cost, it is profitable to supply more of the commodity, cost कम पे ज़्यादा quantity supply करना profitable होता है, ये क्या है करेक्ट है, आंसर डी। नेक्स्ट 98, इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन द प्रेशर ऑन प्राइस विल बी, इफ द डिमांड इज मोर, ज़्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू सप्लाई, मतलब प्राइस क्या होगा बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा है तो मतलब प्राइस के ऊपर जो प्रेशर है वो अपवर्ड साइड का होगा, आंसर होगा ये। नेक्स्ट द सप्लाई कर्व फॉर पेरिसेबल कमोडिटीज, सप्लाई कर्व जो है पेरिसेबल कमोडिटीज का वो कैसा होता है, इलास्टिक इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक होता है जैसे मिल्क, बराबर तो परफेक्टली इन इलास्टिक। नेक्स्ट सप्लाई क्या है, फ्लो वाला कंसेप्ट है, हमने देखा है नोटबुक में लिखा है। नेक्स्ट द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन रे ब्रेड एंड होल व्हीट ब्रेड इज एक्सपेक्टेड टू बी, इज एक्सपेक्टेड टू बी, क्रॉस इलास्टिसिटी जो है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बीच क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है। नेक्स्ट इन द डायग्राम गिवन बिलो द शेडेड पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन क्या दर्शाता है, कंज्यूमर सरप्लस दर्शाता है हमको, बराबर तो आंसर होगा सी फॉर 102। नेक्स्ट 103, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ टोमेटोज इज 0.25, इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम बढ़ रहा है तो टोमेटो का डिमांड 0.25 पॉजिटिव है, मतलब पहले अगर 10 किलो टोमेटो खाते थे तो अभी ज़्यादा खा रहे उसके कंपेरेटिवली, बराबर 0.25 इंक्रीज हो रहे, मतलब 12.5 किलो खा रहे, इनकम बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा, कंपेरेटिवली कम बढ़ रहा है, तो क्या है नॉर्मल गुड्स है टोमेटो, बराबर अगर डिमांड कम हो रहा होता है तो इन्फेरियर गुड्स होते और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता तो लग्जरियस गुड होते, लेकिन टोमेटो क्या है नॉर्मल गुड्स है, ठीक है। द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, हाँ नेक्स्ट 104, द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इज, पर्सनल कंप्यूटर का एंड सॉफ्टवेयर का क्रॉस इलास्टिसिटी होता है क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी कहाँ पे होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है एक दूसरे के, तो ऐसे केस में क्रॉस इलास्टिसिटी निगेटिव होता है, बराबर। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रेड एंड डीवीडी, तो डीवीडी का एंड ब्रेड का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो दो अनरिलेटेड गुड्स के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है जीरो होता है, मतलब कोई क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं होता है। 106, which of the following statement is correct, which of the following statement is correct, a with the help of statistical tools the demand can be forecasted accurately nahi hota hai, the number of substitute of commodity more elastic is the demand, barabar hai jitne zyada substitute hoge utna elasticity of demand kya hoga zyada hoga, jitne kam substitute honge utna elasticity kya hoga कम होगा, तो 106 का आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट 107, सपोज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एजुकेशन इन अ प्राइवेट स्कूल इन इंडिया इज 1.6, मतलब 1.6 मतलब जितना रेशो में इनकम बढ़ रहा है उससे ज़्यादा रेशो में एजुकेशन को ऊपर का खर्चा एक्सपेंडिचर बढ़ रहे,
बराबर, व्हाट डज दिस इंडिकेट, लग्जरी है, प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन क्या है, लग्जरी है। आखिरी वाला क्वेश्चन, सपोज पोटैटोज हैव -0.4 एज इनकम इलास्टिसिटी, माइनस में जा रहा है मतलब इनकम बढ़ रहा है, तो कोई प्रोडक्ट है पोटैटो दिया एग्जांपल यहाँ पे जिसका डिमांड कम हो रहा है, बराबर, मतलब वो प्रोडक्ट क्या है, इन्फेरियर गुड्स है, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी निगेटिव किसका होता है, इन्फेरियर गुड्स का क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आंसर क्या होगा 108 का, पोटैटोज आर इन्फेरियर गुड्स, यहाँ पे नीचे आंसर की है यहाँ पे देख सकते हो। और अब मैं बोलूँगा आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।